बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माई अदर वीडियो में अपने चैनल माया शाही जोन में आप सबका दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूवर्स जहाँ भी होंगे फंसते मुस्कुराते खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक वाइटनिंग क्रीम का फार्मूला जो कि बहुत ज़बरदस्त है, जिससे ना आपकी स्किन डैमेज होगी, ना आपकी स्किन पतली होगी, ना ही आपकी स्किन पर कोई फालतू बाल होंगे और ना ही आपकी स्किन पर जो बाल होंगे वो मोटे होंगे। ये बहुत ज़बरदस्त और इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल वाइटनिंग एजेंट हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। उसमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के हवाले से कौन नहीं जानता कि एक मैजिकल प्लांट से एलोवेरा जो कि हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए हर किस्म की हमारी स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर मैं इसकी बेनिफिट पे वीडियो बनाऊँ तो एक से दो वीडियो ना काफ़ी होंगे, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके बेनिफिट पे, फिर कभी बात करेंगे। तो इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल और इसमें जाएगा 1 अदद इवियन का कैप्सूल या 4 से 6 ड्रॉप विटामिन ई ऑयल। और जो इसमें थर्ड इंग्रीडियंट जाएगा वो जाएगा वाइटनिंग कैप्सूल, 1 अदद वाइटनिंग कैप्सूल जाएगा इसमें। ये तमाम के तमाम हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके किसी किस्म के हमारे स्किन पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई हमारी स्किन डैमेज नहीं होगी। और इसमें जो फोर्थ इंग्रेडिएंट्स जाएगा वो जाएगा ऑरेंज ऑयल। ये आपको आराम से किसी करीबी पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता तो ऑनलाइन draws.pk से ऑर्डर करें जहाँ बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा आराम से। इसमें 2 से 3 ड्रॉप मैंने ऑरेंज ऑयल ऐड किया। अब मैं अच्छी तरह करूँगी मिक्स। ये मेरी हो गई है वाइटनिंग फार्मूला क्रीम रेडी। हाँ, अगर आपकी शादी नज़दीक है, आपको फास्ट इसका रिजल्ट चाहिए, तो आप इसमें ऐड करेंगे कोई सी भी क्रीम जो आप यूज़ करते हो वाइटनिंग। मैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट करूँगी कि आप तिब्बत क्रीम इसमें ऐड करें या गोल्डन पर ऐड करें। जो लोग गोल्डन पर यूज़ करते हैं वो इसमें 1/2 टीस्पून गोल्डन पर क्रीम का ऐड कर लें, और जो गोल्डन पर नहीं यूज़ करते, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे रहते हैं, वो इसमें सिर्फ 1/2 टीस्पून तिब्बत क्रीम का ऐड करें। मैं इसमें 1/2 टीस्पून तिब्बत क्रीम ऐड करूँगी और इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करूँगी। एक बात याद रखिएगा, इस क्रीम की जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी, जितनी अच्छे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के अंदर मर्ज होंगे, उतना ही इसका ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। इस क्रीम की क्या, हर क्रीम की जो हम लोग DIY होममेड घर में बनाते हैं, उस क्रीम के बेनिफिट्स ही हमें तब मिलते हैं जब वो अच्छी तरह उसकी मिक्सिंग हुई हो। तो मैं मिक्सिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास कॉफ़ी बीटर है, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी जो क्रीम है अच्छी तरह मिक्स हो जाए और एक स्मूथ सी क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। ये देखिए, मेरे स्मूथ सी क्रीमी टेक्सचर्स में मेरी क्रीम आ चुकी है। क्रीम मेरी बिल्कुल रेडी है। अब मैं बताती हूँ कि हमने इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले हम अपने फेस की क्लींजिंग करेंगे, फिर उसका अच्छे से फेस वाश से अपने फेस को वॉश करेंगे और फिर ये क्रीम अप्लाई कर लेंगे। थोड़ी सी क्रीम लेंगे, हल्के हल्के हाथों से अपने स्किन के अंदर हम इसे एब्जॉर्व कर लेंगे। इसके लगाने से ना आपको ग्रीसीपन फील होगा, ना चिपचिपा फील होगा, इवन कि आपको फील ही नहीं होगा कि आपने फेस पे कोई चीज़ अप्लाई की है। प्लीज़ सॉफ्ट हाथों से मसाज करना है, सख्त हाथों से मसाज बिल्कुल नहीं करना। सुबह उठ के किसी अच्छे फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कीजिए और फिर सनब्लॉक अप्लाई कीजिए। प्लीज़ कोई भी वाइटनिंग क्रीम यूज़ करें तो सनब्लॉक का यूज़ मस्ट करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे अपना फीडबैक दूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आई होप तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।